आज हम सब कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.1 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। इसका पहला खंड है 3x+2y = 5, 2x-3y = 7। ये समीकरण एक। और ये समीकरण दो है। पहले हम जान लेते हैं कि संगत और असंगत की कंडीशंस क्या होती हैं, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये संगत है और असंगत है। अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के तो वो संगत होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इस स्थिति में भी ये क्या होगा, संगत होगा। लेकिन a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2 के तो ये क्या होगा, असंगत होगा। अब हम इसे हल करते हैं। यहाँ हम समीकरण एक की ABC में तुलना करेंगे तो a1 = 3, b1 = 2, c1 = -5, क्योंकि इसे इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा = 0। अब समीकरण दो से ABC की तुलना करते हैं तो a2 = 2, b2 = -3 और c2 = -7। यहाँ +7 इधर आएगा, -7 = 0, यहाँ c2 = आ जाएगा -7। हम इसे हम लिखते हैं a1/a2 = 3/2 और b1/b2 = 2/-3, c1/c2 = -5/-7। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा +5/7। अभी यहाँ देखो 3/2, 2/-3 और 5/7 तीनों ही बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 = c1/c2। अब a1/a2 = नहीं है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संगत। इसी प्रकार हम इसके अन्य खंडों को भी सरलतापूर्वक हल कर लेंगे।